हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। आज से हम एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, एक नया बैच लॉन्च हो रहा है जिसके अंदर मैं कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी भी बताने की कोशिश करूँगा। हम ये डिस्कस करेंगे कि अचीवर्स और नॉन अचीवर्स में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से आपको अपना रूटीन बनाना चाहिए तैयारी करने के लिए, किस तरह से आपको नोट्स बनाने चाहिए। आप मुझसे पढ़ें या फिर आप किसी और एजुकेटर से भी पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि हम एक सही स्ट्रेटजी जब फॉलो नहीं करते तैयारी के लिए, तो हम मेहनत पूरी कर देते हैं। आप 6 महीने, हम जनरली मानते हैं 6 से 8 महीने में जैसे एग्जाम की पूरी तैयारी की जा सकती है, 4 महीने में भी तैयारी हो जाती है, 3 महीने में भी तैयारी हो जाती है। लेकिन अगर हम गलत स्ट्रेटजी को फॉलो कर लें या ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो कर लें जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो तैयारी आपकी बहुत लंबी खिंच जाती है। वो तैयारी साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल भी लग जाते हैं, तब भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि जो ट्रैक हम फॉलो कर रहे हैं, एग्जामिनेशन जो डिमांड कर रहा है, हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम उससे हटके कुछ और पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा और ये काफ़ी थोड़ा मोटिवेटिंग सेशन भी आप सभी लोगों के लिए होने वाला है, बिकॉज दिस विल बूस्ट यू अप। ठीक है, आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा और आपको मदद करेगा उसमें मन लगा के तैयारी करने में, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मेरा कोर्स कैसे चलने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो भी मैं आपको इसी सेशन के अंदर बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले समथिंग अबाउट मी, जो मुझे ज़्यादा नहीं जानते, मेरा नाम शुभम जैन है। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन मैंने 2 बार क्लियर किया हुआ है, एक बार सीजीएल 2017 जो कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसमें मेरे टैक्स की पोस्ट मिली थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और सीजीएल 2018 में मैं सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पर सिलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाते हुए मुझे 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक बार के में जब सिलेक्शन लिया है तो मैं जानता हूँ कि आपके जो जर्नी है उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, किस वजह से हमारे मार्क्स कम रह जाते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम में 200 में से 170 लेके आएंगे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो पता चलता है 185 नंबर आ पाए। तो जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं अपनी एसएससी की जर्नी के दौरान, वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं और मैंने काफ़ी टॉपर्स से इंटरेक्ट भी किया है, रैंक 1 सीजीएल 2017, सीजीएल 2019 और बाकी सीएचएसएल के टॉपर्स, तो हर एग्जाम के टॉपर से मेरे इंटरेक्शन होती रहती है। तो मैं ये समझता भी रहता हूँ साथ के साथ कि और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और टॉपर्स की अप्रोच क्या होती है किसी एग्जाम को क्लियर करने की। ठीक है, तो उन सभी चीज़ को यूज करते हुए मैं आपको एक सबसे बेहतर स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करता हूँ, सो डैट यू कैन एस द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटैम्प्ट एंड गेट योर ड्रीम जॉब। ठीक है, तो आप मुझे एज अ टीचर ले सकते हैं, आप मुझे एज अ बिग ब्रदर ले सकते हैं, एज अ मेंटर ले सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू सोल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टारगेट ये होगा कि आपकी जर्नी के दौरान अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ हूँ, आपको पूरा सपोर्ट करने की मेरी पूरी कोशिश है। कि आपके कोई डाउट्स आते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो एप्लीकेशन में आप मुझसे डाउट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई जरूर करूँ और टाइम टू टाइम लाइव आके भी आपके क्वेरीज को सोल्व किया करूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है उन लोगों में जो सिलेक्शन ले जाते हैं, अचीव कर जाते हैं, और उन लोगों में जो मेहनत करते हैं बार बार लेकिन फिर भी सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स में मैंने स्प्लिट किया है। सबसे जरूरी जो होता है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर क्लियर करना चाहते हैं, तो उसकी राइट गाइडेंस, स्ट्रेटेजी एंड मेंटरशिप, और ये किस पर्सन की होनी चाहिए, उस पर्सन की होनी चाहिए जिसने वो जर्नी खुद कवर करी है, जिसने खुद सिलेक्शन लिया है, उसे आइडिया होगा अच्छे से, उससे ज़्यादा आइडिया किसी को नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वो पर्सन सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो वो मुझे मान सकते हैं, बाकी कोई और पर्सन जो और आपको लगता है जिसने अच्छा किया है इस फील्ड में, आप उसकी स्ट्रेटेजी भी ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है राइट गाइडेंस, राइट स्ट्रेटेजी, और या फिर मैं कह सकता हूँ मेंटरशिप, कि आपको ऐसे मेंटर चूज करने पड़ेंगे जिसे एक्चुअल में आइडिया है जिस चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, कहने को आज एक टीचर 10 तरह के एग्जाम्स की तैयारी करा रहा होता है, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज उसे किसी भी एग्जामिनेशन की नहीं होती। तो होता क्या है कि जेनरिक चीज़ें रह, मतलब स्पेसिफिक चीज़ें नहीं मिल पाती आपको कंटेंट के तौर पे, और वो जेनरिक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो तैयारी आप को जरूरत थी जिस चीज़ की, वो वहाँ पे नहीं मिल पाई, या जो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए, उससे हटके थोड़े से क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो एग्जाम में सारा खेल यहाँ पे टाइम का होता है कि आप गिवन टाइम के अंदर क्वेश्चन को कर पाए। अगर आप क्वेश्चन को टाइमली नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को आता है आपको करना लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो वो क्वेश्चन करना ना करना बिल्कुल एक बराबर हो जाएगा, उसका आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि राइट गाइडेंस आपको मिली, क्वालिटी कंटेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, वो भी एक्सपीरियंस टीचर से, जिसे थोड़ा एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का
और कंटेंट में दम हो, जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो उसमें इंक्लूडेड हो, ऐसा ना हो आउटडेटेड पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उस तरह के आप पूछे नहीं जाते, आप वही पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में बारी ही करने की तो क्वेश्चन में थोड़ी सी डिजिट्स चेंज कर दी, वैल्यू चेंज कर दी, तो आप घबरा गए उसे देख के, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये हो गया टीचर्स के एंड पे, आपने मेंटर जो चुनना है वो चीज़ हो गई। तीसरा जो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, कंसिस्टेंसी। वो एक काम को करते हैं उसे ही बार बार करते रहते हैं और उसी में ही बेहतर होते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, आपको बार बार डेविएट नहीं होना एक स्पेसिफाइड पाथ से। होता क्या है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लो आपने टारगेट लिया कि मैं SSC CGL एग्जामिनेशन को क्लियर करूंगा, मेरे को SSC CGL से सिलेक्शन लेना है। अब बीच में बहुत सारे एग्जाम आएंगे, SSC CPO आएगा, SSC MTS आएगा, और भी ढेर सारे एग्जामिनेशन ऐसे आ सकते हैं बीच में जिनका आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन हमारा क्या होता है, या फिर बैंकिंग एग्जाम्स भी आ सकते हैं, हमारा टारगेट हमेशा एक एग्जाम होता है, मैं उस एग्जाम को स्पेसिफिकली तैयार करता हूँ। अगर आपको SSC का कोई भी एग्जाम क्लियर करना है नॉन टेक्निकल कैटेगरी में, तो मैं कहता हूँ आप हमेशा SSC CGL एग्जामिनेशन की तैयारी करें। अगर CGL एग्जामिनेशन की आपकी तैयारी हो गई तो आपकी SSC CHSL की भी तैयारी हो गई, SSC CPO की भी तैयारी हो गई, SSC MTS की भी तैयारी हो गई, SSC GD की भी तैयारी हो गई। कोई भी एग्जामिनेशन दोगे उसका जो लेवल 1 का एग्जामिनेशन उसकी आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और SSC के ये सारे एग्जाम इनका जो लेवल 2 भी होता है, अगर जिसमें जैसे CHSL में डिस्क्रिप्टिव होता है लेवल 2 में, CPO में खाली इंग्लिश आती है, MTS में डिस्क्रिप्टिव होता है, तो ये लेवल 2 भी आपका SSC CGL के अगर आपने एक बार अच्छे से तैयारी कर ली तो वो कवर हो जाएगा। तो SSC के सारे एग्जाम्स नॉन टेक्निकल वाले आपके कवर हो जाते हैं अगर आपने SSC CGL एग्जामिनेशन की तैयारी कर ली। और इसके लिए मान लो आप 6 महीने तैयारी करते हो, या 4 महीने तैयारी करते हो, या 8 महीने तैयारी करते हो, जनरली जो प्रेफर्ड टाइम मैं मानता हूँ वो होता है बिल्कुल बिगिनर लेवल से अगर किसी को सीखना है तो 6 से 8 महीने। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 4 महीने में तैयारी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं तो 3-3 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन ले जाते हैं। ऐसा जरूर होता है कि वो ड्रीम जॉब तक नहीं पहुंच पाए फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन सिलेक्शन लेना पॉसिबल है। जब मैंने पहली बार तैयारी करी थी 2017 में, तो मैंने भी 3 से 4 महीने के ही अंदर तैयारी करी थी Tier 1 एग्जामिनेशन की, और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। वो आज भी होता है, 3 से 4 महीने की तैयारी में आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका बस ठीक होना चाहिए, बिल्कुल हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर नहीं है, बेसिक मैथ्स भी वीक रहा है बचपन से, तो 3-4 महीने में तैयारी नहीं की जा सकती। इट विल टेक टाइम, वो 8 महीने 10 महीने वो लग जाते हैं फिर उस तैयारी में, अगर आपको अच्छे से रिजल्ट चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का, तो 4 महीने में भी आप अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, अगर आपका बैकग्राउंड ठीक रहा है, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो, मैथ्स थोड़ा ठीक रहा है, तो भी 4 महीने के अंदर आप पूरी तैयारी करके 3 से 4 महीने के अंदर SSC एग्जाम में एक बार के में सिलेक्शन ले सकते हो। ड्रीम जॉब तक पहुंचे ना पहुंचे वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। और SSC CGL की मैंने बात करी, यहाँ पे CHSL CPO MTS सभी एग्जामिनेशन का सिनेरियो बिल्कुल सेम है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। मतलब ऐसा ना हो कि आप एक दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन 4 घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन 6 घंटे पढ़ रहे हैं। अवर माइंड डजंट वर्क लाइक दिस, हमारा दिमाग इस तरीके से काम नहीं करता। आप आज अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आप आज 3 घंटे ही पढ़ पाए, अगले दिन पढ़ेंगे हो सकता है आपकी स्पीड बढ़ गई आप 4 घंटे पढ़ पाए, आपने फिर दोबारा मेहनत करी तो हो सकता है आप 6 घंटे और कुछ एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद आप 10 घंटे पढ़ पाए या 8 घंटे पढ़ पाए, ठीक है। आपको ये चीज मेंटेन करनी पड़ेगी, लंबे टाइम तक मेंटेन करनी पड़ेगी 8 से 10 घंटे का अपना शेड्यूल, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि 3 महीने में भैया ने कह दिया कि 4 महीने के अंदर सर ने कह दिया कि हो जाएगा सिलेक्शन, इतने में नहीं होगा, इतने में भी नहीं होगा। यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, आपको इतना पढ़ना पड़ेगा और लगातार पढ़ना पड़ेगा, इसमें ब्रेक नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने कहा ये जर्नी है। आप स्टार्ट करोगे 2 घंटे 3 घंटे से और जाके आप 8 या 10 घंटे पे आपको मेंटेन करना है। अगर आपने ब्रेक ले लिया यहाँ पे, मान लो आप 3-4 दिन छुट्टी पे चले गए और आपने ले लिया ब्रेक, तो फिर आपको दोबारा कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, हो सकता है आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़े या यहाँ से स्टार्ट करना पड़े, तो ये लंबा ब्रेक आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आप मूवी देखने चले गए हफ्ते में एक दिन, या दोस्तों से मिलने चले गए, लेकिन उसमें भी क्या होगा कि आप 8 से 10 घंटे ना निकाल के आपने 6 घंटे निकाल लिए या 4 घंटे निकाल लिए, लेकिन आपका एक दिन मैक्सिमम जो ब्रेक होगा आपका एक दिन का होगा, 2 दिन या 3 दिन का ब्रेक आप अफोर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आपका एग्जाम आने वाले 3 से 4 महीने में है, क्योंकि 2 या 3 दिन का ब्रेक बहुत ज्यादा खतरनाक आपके साबित हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक बार ब्रेक हो जाती है तो फिर दोबारा बनाने में फिर से टाइम लगता है, और वो चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते अभी के सिनेरियो को देखते हुए जहां हमारा एग्जाम का कैलेंडर आ चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ राइट एटीट्यूड की, ठीक है, तो राइट एटीट्यूड क्या होता है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा चीजों को लेकर,
आपको जिंदगी में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे 4 महीने में सिलेक्शन नहीं हो सकता, 3 महीने में तैयारी नहीं कर सकते, 5 महीने में तैयारी नहीं कर सकते, कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि अब तो भैया जो टॉपर्स हैं पहले से वही सिलेक्शन लेंगे, IITians सिलेक्शन लेंगे, NITians भी सिलेक्शन लेंगे। भैया मैं तो IIT से नहीं हूँ, मैं NIT से नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे दिखा दूंगा जिन्होंने ग्रेजुएशन में 40% नंबर थे, 45% नंबर थे, ग्रेस मार्क्स से ग्रेजुएशन में पास हुए, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं, वो टॉप रैंक्स पे बैठे हुए हैं, मतलब टॉप रैंक लेके आए, MBA में बैठे हुए हैं, ITI उन्होंने लिया है, GST इंस्पेक्टर उन्होंने लिया है। तो ये सारे अपने भ्रम दिमाग से निकाल दो। जो लोग आपको कह रहे हैं 3-4 साल में नहीं हो सकता, 4 साल तैयारी करनी पड़ेगी, 5 साल तैयारी लगेगी, उन वो नहीं कर पाए, वो उनकी कमी है, उन्हें सही मेंटोर्स नहीं मिले, उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिली, उन्होंने सही से तैयारी नहीं करी। ठीक है, आप कर सकते हो, आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब मुझे 100% अपने एफर्ट इसके लिए लगाने हैं और आप सिलेक्शन तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा चीजों को लेके, अपनी जिंदगी के 1 से 2 साल इस चीज में देने पड़ेंगे। अब 1 से 2 साल क्यों, चाहे आप एक बार की में सिलेक्शन दे रहे, प्रोसेस कहाँ खत्म होते होते 1-2 साल वैसे ही गुजर जाएंगे। ठीक है, जब आप एक बार की में सिलेक्शन लोगे, SSC एग्जाम्स का सिनेरियो ऐसा चलता है, एक बार की में सिलेक्शन लेने में ही 1.5 से 2 साल गुजर जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने टाइम को कंट्रोल करना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकें उतना रहें। अब सोशल मीडिया में यूट्यूब पे मेरी भी क्लासेस होती हैं, आप यूट्यूब यूज करते होंगे, आज के टाइम पे यूट्यूब पे शॉर्ट्स हो गया, आपको उससे बचना है। वहां पे पता नहीं क्या फालतू की चीजें आती रहती हैं कि दुनिया के सबसे बड़े 3 ट्रेन क्रैश, दुनिया के सबसे बड़े 3 एरोप्लेन क्रैश, ऐसा प्लैनेट है जहां पे हीरे बरसते हैं, ठीक है, ट्रेन से अगर मोबाइल गिर गया तो क्या करें, ये फालतू की चीजें, ये नॉलेज आपको चाहिए नहीं। आप अपने दिमाग, ये है ना हमारा छोटा सा दिमाग है, इसमें जो भरेंगे ना वही एक्सेप्ट करता चला जाएगा। अब जो चीज इसने एक्सेप्ट कर ली है उसी के बारे में ज्यादा सोचेगा। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसी चीज इसके अंदर भरनी स्टार्ट कर दी जो कि आपके काम की नहीं है, तो दिमाग उसे फिल्टर नहीं करेगा, दिमाग ये नहीं कहेगा भैया काम की नहीं है, दिमाग उसके बारे में भी सोचेगा। आपने एक वीडियो देखी कि ट्रेन से मोबाइल कैसे गिर गया, ट्रेन से मोबाइल गिर गया तो क्या करें, अगला थॉट आपके दिमाग में आएगा एयरप्लेन से गिर गया तो क्या करें, गाड़ी से गिर गया तो क्या करें, सड़क पर चलते चलते आप गिर गए तो क्या करें। ठीक है, ये सारी चीजें आप गिर रहे हो क्या, आपका ट्रेन से मोबाइल गिर गया है, आप गिरने दोगे क्या अपना मोबाइल ट्रेन से। ठीक है, एक प्लेनेट पे हीरे बरसते हैं तो क्या होना चाहिए, भैया हीरे बरस रहे हैं एयरप्लेन पर, आपको मिल रहे हैं क्या वो हीरे, आपको हीरे मिल रहे होते तो आप SSC की तैयारी करते क्या। तो ये चीजें जो ये ज्ञान है, या आपके काम का ज्ञान नहीं है, जो आपका काम का ज्ञान है वो आपको तैयारी में मिलेगा। SSC की तैयारी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप तैयारी को दिल से करोगे ना, आपको सीखने के लिए कुछ तैयारी करोगे, तो इससे बेहतर तैयारी, इससे ज्यादा मजा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा कोर्स है। अगर UPSC CSC का देखूं, उसका कोर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो बड़ा है, लंबे टाइम तक आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चीजें हैं उसके अंदर। SSC का कोर्स इतना ज्यादा वास्ट नहीं है, इट इज अ वेरी लिमिटेड कोर्स, जिसे सीखने में आपको अलग अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। आप GK पढ़ेंगे तो GK में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से, अब ऊपर ऊपर से पढ़ने में सारी चीजें में मजा आता है, दिक्कत तब आती है जब हम डिटेल में घुसते हैं, तो GK SSC की इंटरेस्टिंग रहेगी, थोड़े फैक्ट्स आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइमर हो, सीखने का मन है, समझने का मन है चीजों को, तो मजा आएगा। ऐसे ही अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूं तो इंग्लिश बहुत मुश्किल आजकल नहीं पूछ रहे, SSC की निमट जाती है बड़े आराम से। रीजनिंग इंटरेस्टिंग होती है, रीजनिंग तो आप 1 महीने में उड़ा दोगे, 2-2 घंटे भी रोज पढ़ोगे तो। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितना इंटरेस्टिंग होके तरीके से सिखा सकूँ वैसे सिखाऊं, जिसमें हम सबसे पहले कैलकुलेशन ट्रिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको नंबर्स में मैजिक दिख रहा होगा, मजा आएगा करने में। तो ये मेरा काम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को इंटरेस्टिंग बनाना, और थोड़ा लंबा भी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि CGL में Tier 2 में भी आता है, तो हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में इसलिए जाते हैं जिससे कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। एग्जाम का लेवल बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, आपको ज्यादा टाइम दे दिया जाए, 2 घंटे के पेपर में आपको 4 घंटे दे दिए जाए CGL Tier 2 में, आप कर जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं है। टारगेट ये है कि हम टाइमली क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, तो इसलिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं इस सब्जेक्ट में, और जितना पढ़ना है मैं उतना पढ़ाऊंगा आपको, जितना जरूरी है। मैं कोर्स को जब बनाऊंगा, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसे स्प्लिट भी करूंगा, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो मैं कहूंगा ये हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम होगा तो ये चीजें हमें प्रैक्टिस करनी है, वरना नहीं करनी। ठीक है, तो आपको अपने टाइम को कंट्रोल करना है, यहाँ पे कोई गलत चीजें आप अपने दिमाग में भरना अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, ठीक है, और आप अभी कुछ ऐसा कंसिडर नहीं कर रहे, तो बिल्कुल भी आप किसी रिलेशनशिप में भी ना जाएं अगर आपका एग्जाम नजदीक है, क्योंकि कोई भी चीज होती है आपके दिमाग माइंड को थोड़ा कैप्चर करेगी। ठीक है, उसके बारे में रिलेशनशिप में आए, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर आप 4-5 दिन आपने रोने धोने में बिता दिए, ठीक है, इससे होगा क्या, आपका तो करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि एक बार सिलेक्शन ना होने का कीमत इतनी बड़ी होती है। ठीक है, आपको अभी समझ नहीं आएगा,
अगर आप एक साल सिलेक्शन छोड़ के अगले साल सिलेक्शन लेते हैं तो एक साल की कमाई कितनी होती है इंस्पेक्टर की, पता है आपको? अभी ग्रोथ सैलरी 83K चल रही है एक्स सिटी के अंदर। एक्स सिटी मतलब जो अच्छी सिटीज है, मतलब जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, वो डिटेल में अभी उसमें नहीं जा रहा। अगर आप 4600 ग्रेड पे एक्साइज इंस्पेक्टर का ME या कोई और फोर्स जोन करते हैं तो उसमें 83K ग्रोथ सैलरी होती है। तो अगर एक बार की मैं आपने सिलेक्शन ले लिया तो एक साल की सैलरी आपकी 10 से 12 लाख के आप नीचे आ जाओगे। यहाँ पे कोर्सेज होते हैं 1000 रुपये में पूरी तैयारी करने को मिल जाती है आपको, 3000 रुपये में, 4000 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पेड कोर्सेज ले रहे हैं, वरना फ्री पढ़ रहे हैं तो फ्री में भी काफ़ी तैयारी हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो पैकेज लगेगा, अगर आप एक साल सही गाइडेंस नहीं मिल पाया, एक साल तक सिलेक्शन नहीं ले पाया या कुछ गलत डायरेक्शन में, गलत ट्रैक, कोई गलत डिसीजन आपने ले लिए, तो ये एक साल की कमाई 83 के हिसाब से अगर 12 से गुना कर दोगे तो ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूँ कि लगभग 10 लाख रुपये का आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसमें भी अगर इन हैंड सैलरी की बात करूँ, चलो 6 से 7 लाख रुपये का आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी रकम है। अगर मैं आपसे कहूँ ना आज कि मैं अगर आपको 6-7 लाख रुपये दे दूँ मेरे लिए काम कर लो, आधे आप में से 90% लोग कहेंगे भैया हाँ मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, आप मुझे इतने पैसे देना, वर्क टाइमिंग्स बता दो, मैं 8 से 10 घंटे भी कर लूंगा रोज का। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर लो ना इसकी जगह, तो ये आपका एक साल जो अगर आपने एक बार की में सिलेक्शन लिया, दूसरे साल आपको सिलेक्शन लेना पड़ गया तो वो चीज़ आपकी बच जाएगी, ठीक है। तो ये टाइम आप पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हो, दिस इज इन्वेस्टमेंट, आप यहाँ पे बहुत खर्चा कर रहे हो इस पढ़ाई के लिए, चाहे ये कोर्स जो आप लोगे या नहीं लोगे, या फिर आप यूट्यूब पे भी मान लो फ्री भी पढ़ रहे हो, तो आपका टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी यहाँ पे कोई भी कमोडिटी नहीं है। दुनिया में सबसे महंगी चीज है टाइम, ठीक है, यह कोई खरीद नहीं सकता, एक बार चला गया तो चला गया, ठीक है। तो टाइम को आपको बचाना सीखना पड़ेगा, अपने टाइम आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपको ट्रैक करना है, अपने से एक डायरी बना के रखें आप, जिसके अंदर पूरे दिन का आप कम से कम 15 दिन तक इसे फॉलो करें कि पूरे दिन में आपने क्या क्या करा उस डायरी में नोट करें, ठीक है। आपको पता चल जाएगा दिन में, आपको पता चल जाएगा 16 घंटे आपने कहाँ खत्म कर दिया, 8 घंटे चलो सोने के, थोड़ा खाने पीने का मान लिया 6 घंटे सोने के, 1-2 घंटे खाने पीने का, बाकी 16 घंटे या 14 घंटे तो आपके पास बचेंगे ना, आपको पता चलेगा जिंदगी में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी प्रोडक्टिविटी हमारी लाइफ में नहीं होती, और यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारे असफल होने का। आपको एक डायरी बनानी है, 15 दिन तक अगर आप रात के 10 मिनट बस यही सोचेंगे पूरे दिन में आपने क्या करा और डायरी में नोट कर लें, आपको अपनी सारी कमियां पता चल जाएंगी। और एक बार आपने इस डायरी को ढंग से मेंटेन कर लिया, 15 दिन तक आपने फॉलो कर लिया और अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उसे लिख लिया और धीरे धीरे उस पर काम करके उसे इम्प्रूव करने लगे, तो आपकी ज़िंदगी अलग हो सकती है, ठीक है। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग अपनी ज़िंदगी को बदल पाए इस चीज़ से, ठीक है। आप कुछ ना कुछ सीखोगे, देखो आप चाहे सिलेक्शन आपका हो ना हो, वो एक अलग चीज़ है, सिलेक्शन हो जाएगा तैयार ढंग से करोगे, लेकिन एक बार आप अपने टाइम को कंट्रोल करना सीखे तो आप कुछ ना कुछ नया प्रोडक्टिव सीखें, उससे आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनी रहेंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, बहुत कुछ आप जिंदगी में कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम पे कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो ये माइंड है वाई क्लियर होना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरा तो वाई क्लियर नहीं है, ठीक है, मैं तो कोई भी जॉब मिल जाए, बस मेरा तो एक टारगेट है जॉब पाना, ठीक है, मेरा कोई बहुत बड़ा टारगेट मैंने नहीं लेके लेके चल रहा कि मुझे यही जॉब चाहिए। भैया ये भी तो एक बहुत बड़ा वाय है कि आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी जिंदगी में 95% प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 95% प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद मनी ओनली, ठीक है। आप शादी करते हो, शादी करने के बाद आपकी बीवी घर का काम नहीं करती, प्रॉब्लम है, लड़ाई की जड़ है, या आप घर का काम नहीं करते, बीबी वर्किंग है, आप हो घर में हो, या फिर कोई और रीजन है, या आपकी कोई काम नहीं हो रहा, घर का सफाई नहीं हो रही, भैया पैसे हैं तो आप काम वाले रख लोगे, वो कर देंगे काम, ठीक है। आपको किसी और चीज की सहायता की जरूरत है, घर में अच्छा टीवी नहीं है, फर्नीचर नहीं है, आपको मैच देखने का शौक है, उस टाइम पे आपकी वाइफ है उसे सीरियल देखने का शौक है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? अब फिर लड़ाई होगी, भैया मैं सीरियल देखूंगी, आप कहेंगे मुझे तो मैच देखना है। फाइनेंशियल से अच्छे होंगे तो 2 TV आ जाएंगे घर के अंदर। जिंदगी की सास बहू की लड़ाइयाँ और सारी चीज़ें, बहू बात नहीं मन रही है, जितनी भी समस्याएं हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियली अगर आप फ्री हो, फाइनेंशियली आपकी इनकम अच्छी है, 95% प्रॉब्लम्स वहीं ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, चाहे आपकी ड्रीम जॉब कोई भी हो, फाइनेंसिस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, दिस इज द रूट। जितनी भी प्रॉब्लम्स, अगर लोग फाइनेंशियली फ्री हो गए तो प्रॉब्लम्स आज से ज़्यादा खत्म हो जाएंगे। क्राइम रेट क्यों ज़्यादा है? अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट से लोग डरते क्यों हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत क्या भैया? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अनएम्प्लॉयड हो, कोई काम नहीं है तो पैसे नहीं है। पैसे से ही आधे से ज़्यादा 95% प्रॉब्लम्स हमारी एसोसिएटेड है,
चाहे आप मानो या ना मानो। कई चीज समझ आ रही है आप सभी लोगों को? तो अपना वाई क्लियर रखो भैया, फाइनेंशियली फ्री होना है। अभी आपकी एज कुछ भी हो, कल आप शादी करोगे, ठीक है, शादी ऐसे ही हो जाएगी क्या? ठीक है, अगर आप एक अच्छे घर में लड़के हो, फिर भी कोई भी नॉर्मल लड़की वाला, चाहे लड़की सुंदर हो या ना हो, वो ये जरूर चाहेगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत ना हो, आप उसे दो वक्त की रोटी खिला पाए। अगर आप लड़की हो तब भी सीधी सी बात है, अगर आप अच्छी जॉब पे भी हो, तो क्या आप ऐसे लड़के से शादी कर लोगी जो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, जो कुछ काम नहीं करता? शादी, फाइनेंशियली फ्री होना, घर होना अपना, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो तभी मिल पाएंगी आपको जब आप मेहनत करोगे। और ये, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है नहीं। कोई आपको, आप दुनिया के लिए कितना ही कर लो, आपके घर में रोटी आपको ही कमा के लानी पड़ेगी। आपको अपना जो घर का खर्चा है वो आप ही करोगे, कोई आपके घर में आपको मदद करने नहीं आने वाला। एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, दिस इज फैक्ट। तो आपको ये चीज़ अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखनी पड़ेगी कि भैया मुझे फाइनेंशियली फ्री होना, और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए मुझे जॉब की ज़रूरत है। और सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको जॉब मिलती है, इज्जत मिलती है, वरना जॉब तो बहुत भी है। जॉब को तो आप सामने ठेली भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या उसकी इज्जत होगी? आज के टाइम में आप कहते हो भैया मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, हर काम अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैं भी यही कहता हूँ, मैं हर पर्सन की इज्जत करता हूँ, ठीक है, इवन बैगर्स भी होते हैं, मैं उनकी भी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या आप वो जिंदगी जीना चाहेंगे? क्या आप ठेली लगा के अपने आप को, आज हो सकता है आप अभी यंग हैं, आपको लगे सब ठीक है, लेकिन अगर आप 10 साल बाद अपनी जिंदगी को एक्सपेक्ट करेंगे उस फॉर्म में, क्या वो आपको स्वीकार होगा कि हाँ मैं ऐसे जी लूंगा? अपनी जिंदगी का चार्ज आपको खुद लेना है, और आपको खुद ही मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी। तो अपना वाई क्लियर रखो कि क्यों आपको नौकरी चाहिए, क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है? अगर दूसरा रास्ता है तो अपना लो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में हो, लेकिन अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो भैया मन जान लगा दो इस चीज में, सिलेक्शन लेना है। अब आप जॉब्स हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू, जैसे एग्जामिनर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई हो गया, प्रिवेंटिव, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट एसएससी के थ्रू हैं, ठीक है। आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहो आप जा सकते हो, आप सीबीआई में जाना चाहते हो सीबीआई में जा सकते हो, इनकम टैक्स ऑफ ज्वाइन करना चाहते हो, रेड मूवी देखिए, इनकम टैक्स में भी जा सकते हो, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, कस्टम इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना चाहते हो बन सकते हो, इंडिया से बाहर जाके रहना चाहते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ज्वाइन कर लो, एक से एक बेहतर जॉब मिलेगी। रो ज्वाइन करता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करना चाहते हो ये ज्वाइन कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ज्वाइन करना चाहते हो ये ज्वाइन कर लो, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो वो ज्वाइन कर लो, ईडी आजकल काफी फेमस चल रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये जाना चाहते हो इसमें चले जाओ, डिविजनल अकाउंटेंट बनना चाहते हो डिविजनल अकाउंटेंट, मतलब एक से एक बेहतर पोस्ट है इसके अंदर। यू नीड टू ऑप्ट कि कौन सी पोस्ट आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, उसकी एक वॉलपेपर पे लगा ली अपने घर में जहाँ पे पढ़ते हो, और जब जब आप उसे देखोगे ना, आपके अंदर से आना चाहिए भैया मेहनत करनी है और इस पोस्ट तक पहुंचना है, ठीक है। अगर आप पोस्ट पर पहुंच गए तो बाकी सारी चीजें फाइनेंशियली तो आप वैसे ही फ्री हो जाओगे, क्योंकि सैलरी आएगी आपको सरकारी, और वो आती रहेगी लाइफ टाइम। जिंदगी में हम सब ऑन्टरप्रन्योर बन सकते हैं, बट ऑन्टरप्रन्योर बनने में एक दिक्कत ये है कि टेंशन का काम है, और हर कोई टेंशन नहीं ले सकता, वरना नौकरी में ये होता है कि आपकी टेंशन कम हो जाती है, ठीक है, स्ट्रेस फ्री लाइफ लेते हो, आपको बताओ आपकी पूरी जिंदगी ऐसे कटेगी, तो आप वैसे जाते हो। अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स चाहिए तो आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, नौकरी सरकारी की तरफ फिर ना जाए, ठीक है, आप पर्सनल अपना कुछ स्टार्ट करें या कुछ करें, लेकिन उसमें सिक्योरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। जॉब प्राइवेट में जाने का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब में, तो कोई ऐसा खतरा नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट कैप्चर्ड वाइल टेकिंग द ब्राइब और समथिंग, ठीक है। तो एक सही जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी अगर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, तो यू शुड प्रिपेयर हार्ड, ठीक है। पूरे खानदान में कई बार नाम हो जाता है, अगर आपके आसपास कोई नहीं है आपकी रिश्तेदारी में, तो चाहे आपका दूसरा पर्सन कितना भी पैसा कमा ले, ठीक है, एक ऑफिसर की वैल्यू एक ऑफिसर की ही होती है, ठीक है। तो मनी इज अ डिफरेंट थिंग, बट यस द रेपुटेशन दैट यू विल बी गेटिंग आफ्टर क्लियरिंग एसएससी सीजीएल और आईएएस एग्जामिनेशन, इट विल बी अनपैरेलल्ड, ठीक है। अभी मैंने कुछ पॉइंटर्स आपको बताए, अब ये मैंने अभी, आप हो सकता है चार्ज अप हो गए हो इस चीज़ को लेकर, लेकिन भूल जाएंगे 2-4 दिन बाद, ठीक है, फिर वही मैसेज करने का मन करेगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन करने का मन करेगा, ग्रुप्स पे बातें करने का मन करेगा, कैसे हो कैसे नहीं हो, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी, ठीक है। बट
बीच में ये भी आएगा, एसएससी ने डिले कर दिया एग्जाम लेने में, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, चीटिंग का थोड़ा केस आ गया, कोर्ट केस हो गया, वो सब हो गया, ठीक है, बीच में बहुत डिमोटिवेशन आएगी, ठीक है। मैं जर्नी बहुत आसान नहीं है एसएससी की, ठीक है, ये पूरा सिलेक्शन लेना, ये नहीं है कि पेपर में मार्क्स आ गए तो आप ऑफिसर बन गए, इसकी जर्नी इतनी टेढ़ी है कि टाइम लगता है भाई सिलेक्शन तक पहुँचने में। तो जब भी आपको लगे ना यार अभी हिम्मत नहीं हो रही, तो हमेशा ये वॉलपेपर हमेशा अपनी स्क्रीन पर रखना, मैं भी अपने पास रखता हूँ, जब मेरा मन नहीं करता काम करने का तो मैं बस ये सोचता हूँ क्यों स्टार्ट करा था मैंने, मतलब वाई आई स्टार्टेड ऑल दिस, वाई आई प्रिपेयर्ड फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, वाई आई एम टीचिंग, ठीक है, वाई शुड बी क्लियर। और जब भी रुकने का मन करे तो ये सोच लेना क्या तुम्हारी जिंदगी पहली बेहतर थी, अगर आप इसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो जो दूसरी चीज अपनाओगे क्या जिंदगी बेहतर हो जाएगी आपकी, अगर नहीं हो जाएगी तो इस जर्नी में जितना तुम आगे बढ़ चुके हो शायद दूसरी जर्नी में उतना भी ना पहुंच पाओ, उससे पहले ही आप हार मान जाओ। और एक आदत होती है जो बंदा हार मानने की आदत लेके चलता है, जो बार बार हारता है, ठीक है, वो हारता ही है, और जो बंदा एक बार जीतने की जिसे आदत लग जाए वो हर जगह जीतता है, ठीक है, डोंट बी अ लूजर, ठीक है, जीतने की आदत बनाओ, अपने आप पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि भैया मैंने ये टास्क अगर पकड़ लिया तो मैं इसे कंप्लीट करे बिना उठूंगा नहीं, चाहे आंख से पानी बह जाए, इतनी मोटिवेशन आपको रखनी पड़ेगी। क्यों करना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, मैंने बताया फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। दूसरा इशू होता है कि जब आप जितना ज्यादा लेट ज्वाइन करेंगे तो जो अपर मोस्ट पोस्ट है किसी भी डिपार्टमेंट में, हो सकता है आप वहां तक ना पहुंच पाए, ठीक है, तो जितना जल्दी स्टार्ट करें, जितना जल्दी आप पहला सिलेक्शन लें उतने जल्दी आपके ट्रांसफर्स भी बेटर हो जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ सैलरी वाइज, देखो मैंने अभी आपको बताया था सिर्फ 8 से 10 लाख का नुकसान, लेकिन ये नुकसान सिर्फ इतना नहीं है, ये नुकसान अगर आप 20 साल के बाद देखेंगे, 20 ईयर्स के बाद, अगर मैं अभी आपको 10 लाख का नुकसान बता रहा हूँ, अगर ये 10 लाख आप अपने अकाउंट में डाल लें 20 साल के बाद, अगर मैं इस पर 5 साल में मान लूँ कि पैसा डबल हो रहा है जो कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स वगैरह में होता है, तो 5 साल में डबल होगा, तो 5 साल में क्या होगा, 10 लाख का 20 लाख, उससे अगले 5 साल में 20 लाख का 40 लाख, उससे अगले 5 साल में 40 का 80 लाख, और उससे 5 साल में ये हो गया 1 करोड़ 60 लाख। पहला तो जो आपका नुकसान है वो 10 लाख का नहीं, वो 1 करोड़ से कहीं ज्यादा रुपए का नुकसान होगा एट द 20 टर्म के, 20 साल के उसमें देखेंगे अगर हम, तो अगर आप सही जगह पैसे लगा देते हैं। दूसरी चीज ये होता है कि देखो जो सैलरी आपकी वो ये वाली नहीं काउंट होगी लॉजिकली अगर मैं सोचूं, क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ पे आज ज्वाइन करते हैं से 80 हजार की सैलरी पे, और आप जब फाइनल बताते हैं, मैं अगर अप्रॉक्सीमेट नंबर बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर सभी याद नहीं है, मान लो मे बी, क्योंकि उसके पास पे कमीशन आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, आज के हिसाब से मैं उस टाइम के बाद नहीं बात कर रहा, उस टाइम तो हो सकता है ये 80 हजार की सैलरी, अभी के टाइम पे जो सीनियर पोस्ट पे होते हैं अगर उन्हें 1.5 लाख मिल रहे हैं, तो 20 साल के बाद उन्हें हो सकता है 5-6 लाख मिलने लग जाए महीने के, 8-10 लाख रुपए मिलने लग जाए, ऐसा हो सकता है क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है। बस मैं इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज के टाइम पे आप 80 हो और लास्ट रिटायरमेंट का जो आखिरी ईयर होगा लास्ट ईयर में, क्योंकि आप अपर मोस्ट पोस्ट पे होंगे, तो उस टाइम जो अभी अपर मोस्ट पोस्ट पे अगर मान लो सैलरी किसी पर्सन की 1.6 लाख पर एनम है, या 1.25 लाख, या 1.3 लाख, कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 2 लाख, मुझे एग्जैक्टली अभी फिगर याद नहीं है, तो जो आपका नुकसान है वो ये है, क्योंकि आपकी जो आखिरी सैलरी होगी ना वो घटेगी, स्टार्टिंग में तो आपको जो सैलरी मिलनी थी, यहाँ पे मान लो आपको पहले साल 80 हजार मिल रहे हैं, दूसरे साल 85 हजार हो गई ग्रोस, तीसरे साल 90 हजार हो गई, तो जब आप छोड़ते जा रहे हैं, आपने ये 80 हजार छोड़ा, अगले साल से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 80 मिलेगी, यहाँ पे 85 मिलेगी, तो ये हर साल आपकी इनकम से 5-5 हजार जो इंक्रीमेंट के बाद भरने थे वो रुक गए, और उसके बाद जो फाइनल ईयर की सैलरी है, फाइनल ईयर मान लो आपकी 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की सैलरी है, तो यहाँ से रेट स्टार्ट करोगे तो जो इसका सेकंड लास्ट होगा वो आपका लास्ट होगा, और जो ये वाली सैलरी, ये वाली आपकी एक्चुअली में स्किप होगी क्योंकि आप यहाँ से चल रहे हो, ठीक है, दिस इज ऑल मैथमेटिक्स, ठीक है। जिंदगी में पहली बार की में कोई भी काम करना या पहली बार जॉब लेना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिटायरमेंट की बारी आएगी तो डेट विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा ये। तो अभी जो भी टेम्प्रेरी आप किसी चीज में फंसे हुए हो उसे छोड़ दें और जान लगा दें सिलेक्शन की ओर बढ़ने के लिए। एसएससी एग्जाम्स का कैलेंडर आउट हो चुका है 2021-2022 एग्जामिनेशन का, अगर आप देखते हैं सीजीएल एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में कहा है कि अप्रैल में करवाएंगे, मई अप्रैल 2022 में, जहां तक उम्मीद है ये अप्रैल के लास्ट तक ही होगा, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में होना जरूरी नहीं है, या मिड में भी हो सकता है, बाकी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारणवश कोविड के केसेस बढ़े या कुछ हुआ तो पोस्टपोन भी हो सकता है, तो आप बिल्कुल ये
ना मान के चलें कि अप्रैल में लिखा है, अप्रैल में हो जाएगा, इट में डिले, ठीक है। बाकी अभी हम जब तैयारी करते हैं तो हम कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, आपका नोटिफिकेशन निकला और उसके बाद यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास 4 महीने का टाइम है, और 4 महीने में आप अगर दिन का 8 घंटे पढ़ रहे हैं, और एक महीने में अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन मान लेता हूँ, तो 8 × 30 कितने घंटे हो गए, 8 घंटे एक दिन में पढ़ेंगे, एक महीने में 30 दिन × 4 तो 32 × 30 करेंगे आप, तो आपके पास 960 घंटे हैं, और अगर इसे सही से आप यूटिलाइज कर जाएं तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वही है, अगर आप 8 की जगह 4 घंटे यूज करोगे तो भैया कुछ नहीं होना, आपका 6 घंटे करोगे तब भी चांसेस कम है, टाइम कम है तो एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, टाइम ज्यादा होता तो एफर्ट्स कम लगा लेते, ठीक है। सीएचएसएल एग्जाम का बिल्कुल पैटर्न सेम है, ये मई में हो रहा है, सीजीएल छूट गया तो निराश नहीं होना, सीजीएल के साथ साथ आपके पास सीएचएसएल है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो सीजीएल के लिए भी एलिजिबल हो, सीएचएसएल के लिए भी एलिजिबल हो, गिवन यू आपके पास एज लिमिट है, सीएचएसएल की शायद 27 साल होती है अनरिजर्व कैटेगरी की अपर एज लिमिट, तो अगर आप इससे नीचे हो ना तो सीएचएसएल मत छोड़ना, ठीक है, बैकबोन है। और उसके बाद फिर एमटीएस आ रहा है जून में, एमटीएस का सिलेबस भी Tier 1 का सेम है, तो ये मत छोड़ना। आप 4 महीने का टारगेट लेके चलो कि सीजीएल के हिसाब से पूरी तैयारी करूंगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, सीएचएसएल भी है एमटीएस भी है, सीएचएसएल में लगभग 5,000 के आसपास वैकेंसी आती है, एमटीएस एग्जामिनेशन में 2019 के अंदर तो शायद 9,000 वैकेंसी थी, 2020 का नोटिफिकेशन, 2020 की वैकेंसी अभी डिक्लेयर नहीं की गई है शायद जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, लेकिन 2021 के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप मान के चले 6,000 के आसपास मिनिमम लेके चल रहा हूँ मैं, 5 से 6,000 मिनिमम इतनी वैकेंसीज तो होंगी, इससे ज्यादा 8,000 10,000 12,000 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये सारी वैकेंसी किसी ना किसी पोस्ट पर आपको पहुंचना है एक बार आपने तैयारी करी, क्योंकि जब जॉब होगी ना आप अगला अटेम्प्ट दे पाओगे, जॉब होगी तो आपके लिए अगला अटेम्प्ट देना आसान होगा, वरना फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कोई भी जॉब ना लगे हाथ में। तो उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट में भी काफी वैकेंसीज आ जाती है, पिछली बार तो 3,000 कुछ थी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के अंदर, ये फेज 10 है तो इसके अंदर देखते हैं कितनी आती है, कह पाना उससे पहले 1,500 वैकेंसीज थी, तो मे बी 2,500 3,000, इसमें भी अगर आपके पास कुछ स्पेसिफाइड अलग अलग बहुत सारी पोस्ट होती है इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें कर सकते हो। हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल में शायद 1,500 या 2,000 के आसपास कुछ वैकेंसीज थी पिछली बार, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो वही जो कैंसिल हुई थी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की, वही वाली दोबारा होने वाली है वैकेंसीज, तो वो आएंगी और कुछ बढ़ के भी आ सकती हैं, हो सकता है हमें 3 से 4 हज़ार वैकेंसीज यहाँ पे भी मिल जाए, 3,000 के आसपास मिल सकती हैं, ठीक है। दो तरह की थी, अच्छा हेड कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस, दो अलग अलग कर दिया ये, ठीक है। तो मे भी आप मान के चले 1,000 से 3,000, ठीक है, ज़्यादा फिगर बता के आपके निराश नहीं करूंगा, कुछ भी हो सकता है वैकेंसीज आगे पीछे, अभी कोई एग्जैक्ट वैकेंसीज नहीं दे रखी। तो ये सारी वैकेंसी जितनी भी एसएससी सीपीयू एग्जामिनेशन वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन, मैं कहता हूँ अगर आप फिजिकली फिट हो और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे तो एसएससी सीपीयू एग्जामिनेशन से आप सीधा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाओगे, जो फोर्सेज है हमारी आर्म फोर्सेज, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, और दिल्ली के अंदर सब इंस्पेक्टर हो गया, उसके लिए मार्क्स दिल्ली के लिए थोड़ा ज्यादा मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर आप बेसिक चीजें पढ़ जाते हैं और मतलब तैयारी अच्छे से करी लेकिन बहुत अच्छे नहीं कर पाए, मान लो किसी सब्जेक्ट में 200 नंबर का पेपर हो, इसी कट ऑफ कम जाती है सबसे बड़ी बात यह है, तो कोई ना कोई फोर्स में आप जरूर जा सकते हैं अगर आप फिजिकली फिट है, तो इसमें मेन फिजिकल और मेडिकल होता है, और दिल्ली पुलिस के लिए तो भैया फिर पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ेगी अगर दिल्ली पुलिस में परफेक्ट बनना, क्योंकि उसकी कट ऑफ भी अच्छी जाती है, बट एसएससी सीजीएल रेयर ही होता है कि लोग एसएससी सीजीएल की जॉब छोड़ के सीपीओ की जॉब लें, टारगेट यही होता है सबका, लेकिन नहीं होता तो सीपीओ भी दे लेते हैं, कुछ लोगों को होता है भैया पुलिस फोर्स में जाना है आर्म फोर्स में जाना तो उसे सीपीओ देते हैं। इसकी एज लिमिट भी सिर्फ 25 साल तक ही होती है, 25 साल के लोग ही अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी से 25 साल ही है इसकी। फिर और भी ये ढेर सारे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, जीडी में भर के वैकेंसी जाती है, पहले 25,000 थी शायद, इस बार उससे पहले 60,000 वैकेंसीज थी, ठीक है, इस बार पता नहीं कितनी आएंगी। तो स्टेनोग्राफर एक बहुत बेहतरीन पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, इसमें प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, 3 साल ड्यूटी करने के बाद ये 2,400 पे, या आप स्टार्ट करते हैं 2,400 ग्रेड पे जनरली ग्रुप डी के अंदर, और उसमें भी अगर 3 से 7 साल की ड्यूटी कर ले तो सीधा आप 4,600 ग्रेड पे भी पहुंच सकते हैं, जो कि एक इंस्पेक्टर की सैलरी के बराबर मिलती है, और उसके आगे के प्रमोशन भी बहुत फास्ट होते हैं इसमें, तो दिस इज ऑल्सो अ बिग अपॉर्चुनिटी। और इसमें भी सब्जेक्ट सब में सेम है, किसी में कोई अलग सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने, 4 सेक्शन पढ़ने होते हैं आपको ज्यादातर इसमें, 4 सेक्शन कौन से, इंग्लिश जीके क्वांट और रीजनिंग, और यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं भैया, सभी सेक्शंस में यही पढ़ना है, चारों सेक्शन इंटरेस्टिंग है, एक बार मन लगा के पढ़ोगे ना कि सीखने के लिए पढ़ना है और एग्जाम भी क्लियर करना है साथ में, तो मजा आ जाएगा, ठीक है, बोरिंग नहीं है यार तैयारी बिल्कुल भी एसएससी की।
अब मैं पहले अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आई होप थोड़ा सा आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर मैं आपको मेनली मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही पढ़ाऊंगा आपको, तो क्वांट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, क्योंकि टीसीएस ने लेवल थोड़ा अच्छा भी रखा है और टाइम का जो दिक्कत आती है आपको वो क्वांट सेक्शन में आती है, बाकी सेक्शन में क्वांट की दिक्कत नहीं आती। जो मैं ये कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ ये मैं स्पेसिफिकली एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, बट साथ के साथ सेम कोर्स ही आप ऐसे जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो DTLSSB के एग्जामिनेशन हो, चाहे आप UPSC CDS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया तो किसी भी एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोर्स में SSC एस्पिरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है SSC के, उस पर मेरा फोकस ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि UPSC CDS के क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें, DTLSSB के क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन मेन फोकस SSC CGL रहेगा मेरा, CGL CHSL MTS। इस बार MTS का लेवल थोड़ा ठीक था, ठीक है। तो टारगेट ये है कि ये एग्जामिनेशन आप दें तो इनमें कोई सिलेक्शन रोक ना पाए, और CGL में भी Tier 2 लेवल तक मैं लेके चलूंगा आपको, और उसमें भी स्प्लिटिंग करूंगा कोर्स की कि एक बार Tier 2 लेवल तक आपको पूरा, क्योंकि Tier 1 और Tier 2 का सिलेबस सेम है। कभी भी ये मत सोचना Tier 1 का पेपर आसान आएगा, Tier 2 का मुश्किल आएगा। CGL हो, CHSL हो, MTS हो, ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस है वो बताऊंगा अभी मैं मैथ्स के, लेकिन जो लेवल है पेपर का CGL CHSL का बिल्कुल सेम लेवल है, ना ही CGL का मुश्किल है ना ही CHSL का। CGL का भी मुश्किल है, CHSL का भी, दोनों चीजें, ठीक है, ये आपके शिफ्ट पे एग्जाम में डिसाइड करेगा। लेकिन ऐसा मैं अगर आपको दो पेपर दे दूंगा, एक CGL का एक CHSL का, आप बता ही नहीं सकते कौन सा पेपर कौन सा एग्जामिनेशन, बिल्कुल सेम सिलेबस CGL CHSL का, सेम पैटर्न सब कुछ से, तो ये CGL CHSL के लिए इक्विवेलेंट होगा। अब बात रही Tier 1 और Tier 2, Tier 1 और Tier 2 का लेवल क्या है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस सेम है मैथ्स का, CGL का, CGL में Tier 2 में मैथ्स आता है आपका, CGL का Tier 1 और Tier 2 का मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन के लेवल की अगर मैं बात करता हूँ, अगर CGL की Tier 1 की अच्छे लेवल की शिक्षा आप उठा लें और मेंस का पेपर उठा लें तो उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं। तो जो कोर्स पढ़ते हैं, अगर मैं कहूँ आपसे मैं खाली Tier 1 के लिए पढ़ा रहा हूँ तो वो आपको बेवकूफ बनाने वाली बात है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो Tier 2 लेवल तक पढ़ाऊंगा, वरना मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन करने जाएंगे एग्जाम में Tier 1 में सवाल हल होंगे नहीं, एग्जाम से निराश होकर आएंगे, Tier 1 में कम नंबर आ जाएंगे, सिलेक्शन तक पहुंचूंगा, ठीक है। तो तैयारी हम Tier 2 लेवल तक करते हैं क्योंकि Tier 1 का लेवल भी वही है, और Tier 2 के लिए अलग से मैं प्रैक्टिस सेशंस भी आपके अलग से लेके आऊंगा, लेकिन मेन सिलेबस जो सबसे ज्यादा जो कोर सिलेबस होगा जो आपको इस कोर्स में मिलेगा उसमें सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, वो कोर है, मतलब उतना कर लिया सिलेक्शन के लिए आप रेडी हो गए। उसके बाद तो एक्स्ट्रा तो दुनिया भर की चीजें, कितना भी करता रहो उसकी कोई खत्म तो होगा नहीं कभी मैथ्स, ठीक है, कितना भी पढ़ ले। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है जो आपने ना पढ़ा हो, चाहे मैंने पढ़ाया, चाहे कि दुनिया के किसी टीचर ने पढ़ा, एग्जाम में खुद बैठ के नया क्वेश्चन बना के दे सकता है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर तैयार कर दूंगा कि अगर आप जो मेरा कोर्स है वही बार बार रिवाइज करते चले जाए और मॉक्स दे लें, प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी प्रीवियस ईयर पेपर से, तो आप सिलेक्शन कोई नहीं रोकता, ठीक है। 200 नंबर की मैं गारंटी बिल्कुल नहीं लेता कि Tier 2 में 200 में 200 आ जाएंगे या CGL Tier 1 में 50 में 50 आ जाएंगे, भैया नहीं आएंगे, ठीक है, मैं दूंगा, हो सकता है मेरे भी ना आए, ठीक है। आप कोई वो टीचर जिनसे आप पढ़ रहे हैं जो दावा करते हैं 200 में 200, उनके भी कभी नहीं आए जिंदगी में, ठीक है, तो जरूरी नहीं है आ सकते हैं, ये आपकी मेहनत के ऊपर है, एग्जाम टाइम में आपका माइंड कैसे काम करेगा, आप कितना रेडी हैं उस एग्जाम के लिए, डेट विल डिसाइड आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे, आपने कितने प्रैक्टिस करा है। टीचर का एक बहुत लिमिटेड रोल है आपके सिलेक्शन में, राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप, राइट कंटेंट, डेट्स इट। और ये कितना है तैयारी का, ये सिर्फ 33% मैं कहता हूँ रोल है टीचर्स का, बाकी 66% अगर आप सिलेक्शन लेंगे तो वो आप अपनी काबिलियत पे लेंगे, अपनी कंसिस्टेंसी पे लेंगे, अपने राइट एटीट्यूड पे लेंगे, ठीक। मैं ये दावा करता हूँ कि मैं 33% में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, आई विल गिव माई 100%, अगर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, अब मैंने कहा SSC CGL फोकस कोर्स होगा, लेकिन कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये हो सकता है कि मान लो आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंकिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग स्पेसिफिक कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उन्हें फॉलो करके उनके जो फ्री प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वो टीचर से देख सकते हैं कि उसमें क्या अप्रोच रखनी है क्वेश्चंस के लिए, वरना आप मॉक्स दे सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट, यू नीड टू डू, यू डोंट नीड टू बाय एनी अदर कोर्स एज फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चाहे UPSC CDS हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई और एग्जामिनेशन हो। आपको क्या करना है, जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ना है, प्रीवियस ईयर की एक बुक रखनी है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और मॉक्स देने, डेट्स इट। टिल Tier 2 लेवल ये कोर्स डिजाइंड है हमारा,
ठीक है। कोर्स की जो ड्यूरेशन होगी लगभग होगी ये जो रिकॉर्डेड वीडियोज होंगी 200 से 300 घंटे के बीच में होंगी। मुझे भी नहीं एग्जैक्टली पता कि कितने घंटे में खत्म। आई विल ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें सिखा पाऊँ। कम टाइम का इन द सेंस यही है कि मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर पाऊँ वीडियो में, कहीं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा पूरे कोर्स के। कहीं कोई बात नहीं होगी, कोई गपशप नहीं होगी, सिर्फ कंटेंट, प्योर कंटेंट आई विल बी डिलीवरिंग। उनकी सारी PDFs प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी विद एनोटेशन, मतलब जो क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ अगर उसके सोल्यूशन भी आपको मेरे चाहिए साथ साथ उसकी PDF चाहिए वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप नोट्स बनाएं, बट होता है कि एग्जाम भैया 10 दिन के बाद है और मेरा तो एक टॉपिक छूट गया, मेरा 1 महीने के बाद एग्जाम है, दो टॉपिक छूटे, मैं भैया आप नोट्स बनाऊंगा तो डबल डबल टाइम लग जाएगा, तो उस केस में आप उन PDF की भी मदद ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी बताऊंगा अभी कैसे कैसे करेंगे आप। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मेरा, मान लो ये फाउंडेशन कोर्स मैंने पढ़ा दिया पूरा का पूरा, उसके बाद भी मान लो आप देने जा रहे हैं MTS एग्जामिनेशन, ठीक है, उससे पहले CGL हो गया, CHSL हो गया, तो मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी कि मैं CGL के क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के आए हैं जो आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करनी चाहिए वो भी कराऊँ, CHSL के भी कराऊँ। कोई ऐसा कोर्स नहीं होगा पूरे साल के ड्यूरेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जिसके लिए आपको अलग से पैसे पे करने पड़े, ठीक है। इसके अंदर ही कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस भी मिलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये मेन जो चार्ज है वो अगर को जो कोर्स आप ले रहे हैं इसका चार्ज है, लेकिन इसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस वो मेरे हिसाब से अलग से फ्री होंगे आपके लिए। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बीच में पड़ेंगे वो मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है उसके अच्छे क्वेश्चंस आपको सोल्व करना, उसकी PDFs देना, ठीक है। तो दिस विल बी द एक्स्ट्रा एफर्ट दैट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम माई साइड। तो आपको ये नहीं है कि एक बार कोर्स देख लिया पढ़ लिया आप उसके बाद फिर दोबारा पैसे दे रहे हैं सेम चीज़ के लिए, तीसरी बार पैसा दे रहा है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड योर मनी इज इम्पोर्टेंट एंड योर टाइम इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, आपका समय उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कोर्स की आप फीस चार्ज करते हैं जब आप इंस्पेक्टर लग जाएंगे, जो कि मुझे पता है आप बनोगे अगर अच्छे से तैयारी करोगे, तो आप जितना 2 या 3 घंटे में कमाओगे वहाँ पे एज अ जॉब, अगर 83,000 सैलरी भी ले लें तो 2-3 घंटे की कमाई से आप पूरा पूरा कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। डेट्स वेरी, जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया तो कोर्सेज आर वेरी इजी, मतलब इट्स ऑल फॉर गाइडेंस ओनली। अब सिलेबस की बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ये आपका जो सिलेबस है ये आप देख लो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जनरली ये रहता है, ठीक है। ये SSC एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, SSC का जो मैक्सिमम सिलेबस है वो ये है, इससे कम सिलेबस कुछ एग्जाम्स का है लेकिन इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम का सिलेबस SSC का नहीं है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और ये सारी चीज़ें मैं आपको तैयार कराऊंगा, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑल ऑफ दीच। अभी बताऊंगा कौन से एग्जाम का सिलेबस क्या है, मैं पूरा आपको तैयार कराऊंगा, हम एक सिक्वेंस में चलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिक्वेंस। पहले मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, क्योंकि जरूरी होता है कि हमें बेसिक कैलकुलेशन करनी आती है, स्क्वायर कैसे करें कम टाइम में, क्यूब कैसे करें कम टाइम में, ट्रिक्स क्या क्या यूज होती है, डिजिटल सम कंसेप्ट क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे लगाते हैं, क्योंकि जब ट्रिक्स पता होंगी तभी हम आगे की परसेंटेज रेशियो ये सारे चैप्टर्स में आपको समझा पाऊंगा अच्छे से। ऑप्शन सारे क्वेश्चन में मिलेंगे आपको एग्जाम में, ऑप्शंस की सहायता से कैसे करना है, बेसिक से कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। और ट्रिक्स इसलिए पहले करा रहा हूँ, ट्रिक्स में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, कराने को तो मैं ट्रिक्स को उसके फिर एग्जाम्पल्स ले लूँ बहुत ज़्यादा तो करा सकते हैं, लेकिन मान लो मैं ट्रिक आपको समझा रहा हूँ, मैंने मान लो आपको डिजिटल सम पढ़ाया, अब डिजिटल सम कंपाउंड टेस्ट में कैसे लगाएंगे वो तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि कंपाउंड टेस्ट नहीं पढ़ाया अभी। तो पहले कंसेप्ट सारे सिखाऊंगा कि डिजिटल सम क्या होता है कैसे लगता है, ऊपर ऊपर से अप्रोचेस सिखाऊंगा, या फिर अगर मैं बेसिक कैलकुलेशन की बात करूँ कि फास्ट मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कम टाइम में कैसे सोल्व करना है, ये सारी चीज़ें बेसिक कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपको कहेंगे कि कहाँ तक टेबल याद करें, क्यूब कहाँ तक याद करें, स्क्वायर कहाँ तक याद करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिर APGPH पे जो कि एक बहुत कॉमन चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AP का सबसे ज़्यादा रोल होता है, फिर GP का रोल होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, जिससे में बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इन सबको कंबाइंड करके अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट आता है, जिसपे मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हम सीखेंगे। ये फाउंड ये इसलिए करते हैं हम APGPH पे स्टार्टिंग में, क्योंकि ये कहीं भी आ जाता है, परसेंटेज क्वेश्चन में आ जाएगा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में AP सीरीज आ जाएगी आपकी, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें AP आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है, तो ये पहले जरूरी होता है। फिर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हम देख लेंगे थोड़े, फिर बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हमारा ही कोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे, परसेंटेज रेशियो पार्टनरशिप, ये एक सिक्वेंस में चलेंगे हम, मिक्सचर एलोकेशन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, जिस सिक्वेंस में लिखा यही सिक्वेंस हम फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक परसेंटेज से लेके ये वाला सिक्वेंस हम एक फॉलो कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेंड, डिस्टेंस ये अलग भी रख सकते हैं, नंबर सिस्टम अलग से पढ़ सकते हैं, ये डी है। तो जनरली कोशिश करूंगा यही सिक्वेंस हम फॉलो करें, बीच में एक आधा सिक्वेंस अगर ब्रेक भी हुआ तो ऐसा कभी भी नहीं होगा आपको कि मैं क्लास में कुछ करा रहा हूँ और मैं कहूँगा ये वाली चीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा,
ये वाला कंसेप्ट है ये आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि वो पहले पढ़ाऊंगा मैं। एक ऐसे सीक्वेंस में कोर्स को डिजाइन करा है, एक एक चीज ऐसे रखी गई है कि आपको प्रीवियस की कोई नॉलेज ना पड़े, जब आप सीख रहे हैं तो आपको कंप्लीट चीजें मिले। ऐसा ना हो कि मैं कहूँ ये तो आपको पहले से पता होगा, वो सब काम नहीं होगा। मैं एक एक चीज की डेरिवेशन भी करूंगा जहां जहां जरूरत होगी। कोई कंसेप्ट ऐसा है जो बहुत ही रेयरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हो सकता है मैं उसकी डेरिवेशन अवॉइड कर दूं, क्योंकि वो काम की नहीं होगी आपके। कोई भी डेरिवेशन अगर आपके काम की है या आपको कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है तो मैं कराऊंगा। उसके बाद एडवांस मैथ्स में एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, आपका ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ये सिलेबस है एसएससी के किसी भी एग्जाम का, इससे ज्यादा सिलेबस नहीं है और ये सारा मैं कवर कराऊंगा। उसके बाद जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ये बिल्कुल सेम सिलेबस है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ का, तीनों का, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये सब कुछ आपको करना है। अगर मैं एसएससी, एमटीएस और जीडी की बात करता हूँ एग्जामिनेशन की, तो अर्थमेटिक का सिलेबस तो सेम है, लेकिन अगर एडवांस मैथ्स की बात करता हूँ तो इसमें ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी बेस्ड, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। मेन होता है मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तीन सवाल आते हैं आपके एमटीएस में भी, जीडी में भी। और अगर मैं बात करता हूँ एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इसके क्वेश्चंस नहीं आते, बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून डाल दिया एक शिफ्ट के अंदर तो डाल दिया, या दो क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है, तो बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड आ सकते हैं, जो अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज हो गई आपकी, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले पे पूछ लिया है सब तो। लेकिन जब हम ये सारा पढ़ेंगे तो ये आपको कवर हो ही जाएगा सारा, वरना आप अगर एस एस सी, एम टी एस, जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योमेट्री की नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए मेंसुरेशन समझने के लिए। तो आप, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आप सब कुछ पढ़े, चाहे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बाकी मेन ये है कि आपका अर्थमेटिक इसमें ज्यादा आएगा, मेंसुरेशन आपको अलग से पढ़ना। उसके बाद डी ट्रिपलसपी एग्जामिनेशन की बात करता हूँ, सेम सिचुएशन डी ट्रिपलसपी एग्जाम्स के हैं। कोई भी आप डी ट्रिपलसपी का एग्जाम उठा लें, चाहे दास ग्रेड टू का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका कलर का एग्जामिनेशन हो, उसमें भी सेम सिलेबस है जो आपका एसएससी, एमटीएस और जीडी वाला है, ठीक है। एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में वही बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स में भी आपको सिखाऊंगा, और मेंसुरेशन ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी बेस्ड बन सकते हैं। एनटीपीसी का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, आरआरबी एनटीपीसी का, इसमें आपका दो, बाकी सब ठीक है, बस आपके अर्थमेटिक में दो ऑप्शन सेक्शन जुड़ जाएंगे, दैट इज परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो आपको ये और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो टारगेट यही रहेगा कि पूरा कोर्स खत्म हो जाए, ये दो चैप्टर मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, दिस विल बी कवर्ड एट द वेरी लास्ट, पहले ये होगा फिर ये होगा और फिर टाइम बचेगा तो हम ये करें, ठीक है। अगर मैं यूपीएससी सीडीएस का सिलेबस देखता हूँ तो उसमें बस एक टॉपिक और जुड़ जाता है एनटीपीसी से, एक टॉपिक और एक्स्ट्रा, इसमें लॉगरिथम भी आ जाता है आपका, और बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। 90% सिलेबस है, 95% मैं कह सकता हूँ एसएससी वाला सिलेबस है इसका भी। आगे बात करते हैं, आप एसबीआई बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, सेम सिलेबस अर्थमेटिक का है, बस डीआई पे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर मैं एडवांस मैथ्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन बनते हैं, लीनियर इक्वेलिटी पे, जो कि मैं यहाँ पे आपको बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स में कराऊंगा। मेंसुरेशन आता है जो कि आप पढ़ते ही हैं, बाकी सीरीज, सीरीज के क्वेश्चन जो एसएससी में आप रीजनिंग में पढ़ते हैं वो आपके यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछ लेते हैं बैंक एग्जाम्स में, तो वो आप रीजनिंग में जब पढ़ रहे होंगे टीचर से तो आपके वहां पे कवर होते हैं, ठीक है, ये मैं अलग से नहीं कराऊंगा। टाइम मिल गया लास्ट में तो करवा लूंगा, कोई गारंटी नहीं ले रहा, लास्ट में ये तीन चार टॉपिक्स हैं, मैं कोशिश पूरी करूंगा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम और सीरीज का भी करवा दूं, लेकिन टारगेट पहले वही होगा कि एसएससी स्पेसिफिक हम सारा का सारा पढ़ें। और अगर ये करवाऊंगा भी तो ये फ्री होंगे, ये आपको उसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना होगा, ठीक है। अब एक बार आप ये भी देख लें, एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल वेटेज ऑफ चैप्टर्स इन टीयर वन, तो चैप्टर वाइज वेटेज ये रहती है किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसे परसेंटेज चैप्टर है, आपने देखा टीयर वन एग्जामिनेशन में यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर से एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन जो कंसेप्ट हम परसेंटेज में पढ़ेंगे वही कंसेप्ट सारा का सारा सीआईएसआई में लगेगा, टाइम एंड वर्क एवरेज, टाइम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी यूज हो रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, ये सारे चैप्टर्स तब तक नहीं होते जब तक परसेंटेज ना आपको आता हो। तो चैप्टर की वेटेज एक बहुत बड़ी भूमिका नहीं रखता एट सम पॉइंट, जैसे सी आई एस आई एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत होती है, इसमें एक क्वेश्चन है तो कई बार हम इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं टीयर वन में जाने से पहले, आप लोग अगर नहीं कर पाए आपका टाइम कम है तो। वेटेज पता होनी चाहिए, बट वेटेज एक्चुअली में कितनी है ये तो दिखने वाली वेटेज है, एक्चुअली में किस चैप्टर की कितनी वेटेज है वो मुझे पता है, जैसे परसेंटेज हो गया चाहे एक नंबर है, लेकिन जो डी आई के क्वेश्चन ऐसे सीमा आते हैं वो परसेंटेज बेस्ड आते हैं, तो चार क्वेश्चन ये है तो ये भी चार क्वेश्चन परसेंटेज में डाल सकता हूँ मैं कि परसेंटेज पे बेस्ड आ रहे हैं भैया, ये क्वेश्चन भी पांच क्वेश्चन हो गए,
रेशियो वाला चैप्टर और परसेंटेज को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज आप हर जगह पढ़ेंगे अर्थमेटिक में, तो फाउंडेशन है, कोर है अर्थमेटिक का, ठीक है। तो खाली चैप्टर वाइज वेटेज से भी कुछ नहीं होता, बट यस एक मन में आइडिया होना चाहिए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एडवांस मैथ्स के थोड़े अलग होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, तो इनके तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक चैप्टर छोड़ दिया तो तीन क्वेश्चन के 6 नंबर के खत्म सिलेक्शन। ये TR2 की वेटेज है, SSC CGL एग्जामिनेशन की बात करता हूँ तो मैं, ये CHSL CGL की बताई। CPO की बात करेंगे तो सारी चीज़ों को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं CPO में, TR1 में यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन थे, तो लगभग उतनी वेटेज रहेगी। अगर मैं MTS और GD एग्जामिनेशन की बात करूँ तो वेटेज चैप्टर की इतनी रहती है, ठीक है। पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप एक रेशियो का चैप्टर माना जाता है, तो कई बार रेशियो में ही पार्टनरशिप से एक आधा क्वेश्चन डाल देते हैं, ऐसे मिक्सचर डेलीगेशन में रेशियो का ही पार्ट मान के इसका भी सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये सारा करना है कवर हमें। और यहाँ पे LCM HCF नंबर सिस्टम इसके क्वेश्चन, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ हमारा GD और MTS। मेंशुरेशन मेनली इसमें, एडवांस मैथ्स में मेनली मेंशुरेशन आता है। अब जो मेरी क्लासेस होंगी उन्हें आपको किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। अगर आप नए हैं, आप मंडे टू सैटरडे डेली का 1.5 घंटा पढ़ें, और उस 1.5 घंटे के अंदर 1 से 2 टॉपिक क्लासेस मेरी ऐसी होंगी, कोई 2 घंटे की क्लास होगी, कोई 1.5 घंटे की, कोई 1 घंटे की भी होगी, कोई 50 मिनट की भी होगी, क्योंकि टॉपिक वाइज चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में जब मैं कोर्स दे रहा हूँ आपको, मेरा टास्क ये होगा कि हम एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स करते हुए कंसेप्ट पूरा मैं एक्सप्लेन करूँ एक क्लास के अंदर, जिससे कि आपको वापस आने में भी दिक्कत ना, आपको कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट समझना, डायरेक्टली आप उस क्लास में कंसेप्ट सीखें। तो ऐसे क्लासेस होंगे, आप डेली का टारगेट बनाएं, अगर 1.5 घंटे की कोशिश करना कि वीडियो क्लासेस लें आप, उसमें एक टॉपिक कवर करें या 2 टॉपिक कवर करें, सेम डे उसके नोट्स बनाएं, और अगली क्लास में आने से पहले पिछली 2 क्लासेस का रिवाइज करके आना है। सो मान लो आपने मंडे से कोर्स स्टार्ट करा, तो ट्यूसडे को आएंगे तो मंडे की क्लास देख पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास एक ही क्लास ले पाए अब तक। वेडनेसडे को आएंगे तो मंडे और ट्यूसडे दोनों की क्लास, थर्सडे को आएंगे तो 2 क्लास रिवाइज करके आनी कम से कम। इससे क्या होगा, हम पढ़ते तो बहुत जल्दी है, SSC का सिलेबस कंप्लीट करना आप 2 महीने में भी कंप्लीट कर लोगे, लेकिन एग्जाम में क्या रिकॉल कर पाओगे उसे? नहीं कर पाओगे। जब तक आपने उसकी रिवीजन अच्छे से नहीं करी तो वो कोर्स पढ़ना आपके लिए बेकार, ठीक है। कहते हैं ना भैया, समझ तो सब आ गया, भूल जाते हैं एग्जाम में, याद नहीं रहता, या क्वेश्चन करा तो था ये वाला प्रैक्टिस, लेकिन इसकी ट्रिक दिमाग में नहीं है। वो किस लिए नहीं आई? क्योंकि हमने रिवीजन ही नहीं करी, रिवीजन ही नहीं करी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो एग्जाम में वैसे ब्लंडर करके आने वाले हो आप लोग। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। कुछ लोग होते हैं जीके की वीडियो देख ली भैया बैठ के, लंबे लंबे चौड़े कोर्स देख लिया जीके के, भैया जब तक जीके रटोगे नहीं बैठ के, जो पढ़ा है उसका दिमाग में बैठेगा नहीं, तो एग्जाम में कैसे यूज करोगे उसे, ठीक है। आपको बता दिया कि भैया नमक का फॉर्मूला है NaCl, आपको पता है नमक का फॉर्मूला टीचर ने लिखवा दिया NaCl, आपने रटा ही नहीं है NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है जो भी है, तो कैसे एग्जाम में करोगे आप? ये रटने पड़ेंगे ये चीज़ें आपको, ठीक है। ऐसे ही क्वांट में आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला अर्थमेटिक में तो मिलेंगे, एडवांस मैथ्स में मिलेंगे, वो रटने पड़ेंगे फॉर्मूला कुछ, ये जिससे एग्जाम में यूज करते। क्लियर है? एप्लीकेशन में आप स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाओगे, लेकिन जितना भी मैं कंटेंट आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ या लिख रहा हूँ जो भी, तो उसकी PDF भी मिल जाएगी आपको, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस की PDF भी मिल जाएगी, विद और विदाउट एनोटेशन, एनोटेशन का मतलब जो मैं लिख रहा हूँ उसके साथ भी, और अगर आपको दूसरे फॉर्मेट में चाहिए तो PDF मिल जाएगी। तो उन PDF से आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, वो डाउनलोड तो नहीं कर पाओगे आप, लेकिन उन PDF को एप्लीकेशन में आराम से खोल के क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है। रिवीजन करनी है तो आप पूरी वीडियो बार बार चलाने की जगह उन PDF से फटाफट स्क्रॉल करके रिवाइज कर सकते हो, ये काम मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश हमेशा ये करना नोट्स बनाए, ये आखिरी ऑप्शन है कि टाइम कम है, एग्जाम आ गया पास में, तो PDF से रिवाइज कर ले जल्दी जल्दी। जब मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं तो आपको क्या करना है, सारे ओल्ड क्वेश्चंस खुद से सोल्व करने हैं सभी चैप्टर्स के, ठीक है। मान लो मैंने एक चैप्टर परसेंटेज कराया, उसमें से 150 क्वेश्चन करा दिया, 200 क्वेश्चन करा दिए, अब इन दोनों को 200 के 200 क्वेश्चन आप डेली तो रिवाइज करिए, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर से रिवाइज करना है सारे क्वेश्चंस को एक दिन बैठ के। उसे रिवाइज करने के बाद अब आपका अगला टास्क होगा, आप चाहें तो अगर टाइम कम है तो आप नेक्स्ट चैप्टर पर शिफ्ट कर जाएं, टाइम है आपके पास जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक लें, उससे सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, वो भी टाइमर लगा के, ठीक है। टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी हो, कम टाइम में सोल्व करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका टास्क रहे। लेकिन जब तक पूरा चैप्टर मेरे से नहीं पढ़ा, कोई बुक नहीं उठानी, कुछ नहीं करना आपको, प्रीवियस ईयर की किरण पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं,
राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन की बुक आती है, कोई भी आप एक अच्छी बुक ले लें जिसमें रिसेंट के 3 से 4 साल के पेपर मिल जाएं आपको, उससे प्रैक्टिस कर लें। प्रीवियस ईयर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बट चैप्टर वाइज के लिए आप बुक मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बुक ले लें, आपके पास एक बुक होनी चाहिए बस करने के लिए प्रैक्टिस। ठीक है, अब जो आपने सीख लिया उसके बाद जितने भी क्वेश्चन में आप अटके उन क्वेश्चन को अगले दिन दोबारा से सोल्व करना है। ठीक है, जो नए क्वेश्चन मिले उसे मार्क करके रखना है जिससे कि आप दोबारा बार बार प्रैक्टिस कर पाए और अगले चैप्टर पे मूव कर जाएं। जैसे ही आप अगला चैप्टर मूव पढ़ लें उसके बाद फिर पिछले चैप्टर को और अगले चैप्टर को, दोनों चैप्टर को रिवाइज करना है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स की रिविजन ज़्यादा जरूरी होती है, क्यों? क्योंकि उसमें मेन कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप एक बार हैबिचुअल हो गए ना चीज़ें, अभी स्टार्टिंग में लगेगा भैया इतनी बार आपने रिविजन करने को बता दिया, टाइम कहाँ से मिलेगा इतना। स्टार्टिंग की मेहनत है, बाद में ये चीज़ें आसानी होगी। अब नोट्स में बना बार बार बनाने को क्यों कहता हूँ इसके लिए भी बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले मैं नोट्स की इंपॉर्टेंस बताता हूँ क्यों जरूरी है। भैया जिंदगी में हम सोचते हैं कि एक बार की में सिलेक्शन लेना, लेकिन नहीं ले पाते। ठीक है, अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि एक बार की में सिलेक्शन लेना क्यों जरूरी है। आप मेहनत करोगे और लोगे, मुझे पता है। नहीं ले पाए तो क्या, मान लो आप कट ऑफ चलेगी 540 नंबर, आपके आगे 539, फिर क्या आपकी तैयारी में कमी थी? हो सकता है आपने गलती से एग्जाम में एक सिली मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक गया। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो अगली बार जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको फिर से यहाँ से जीरो से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास नोट्स होंगे तो बस नोट्स को रिवाइज करना अगली बार पेपर में जाने से पहले, जिस तैयारी में आपको अभी 6 या 8 महीने लगे हैं तैयारी करने में, अगली बार जब एग्जाम में जाएंगे 1 महीने में आप उस लेवल पर पहुंच चुके होंगे अगर आपके पास नोट्स बने होंगे रिविजन करने के लिए। एग्जाम टाइम में होता है कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, सारे चैप्टर्स आपने कवर कर लिए, लेकिन बारी क्या आएगी, एग्जाम में 1 महीना बचा हुआ है। अब आपका दिमाग घूमेगा, भैया मैं तो समझ नहीं आ रहा कैसे क्वेश्चन करूं, एक करता हूं दूसरा भूल जाता हूं। वो इसलिए क्योंकि आपके पास नोट्स नहीं है। अगर आपके पास नोट्स बने हुए आप उसे जल्दी जल्दी रिवाइज करते रहोगे, दिक्कत नहीं आएगी, वरना एंड टाइम में बड़ी दिक्कत आएगी। अभी तो सब ठीक लगेगा, लेकिन जब लास्ट टाइम में एग्जाम की बारी आएगी आप बिना नोट्स के टैकल नहीं कर पाएंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा दिमाग पर हो जाएगा। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, मार्जिन, जब भी आप नोट्स बनाएं यहाँ पे नीचे चार लास्ट में 5-6 लाइन या आप ये खाली छोड़ें। खाली किस लिए छोड़ें, होता है कि आपने कुछ चीज़ें पढ़ी, बाद में मान लो जीके ये आप कर रहे हो, जीके में टीचर ने 10 फैक्ट्स बताए एक चीज़ के बारे में, आपको बार बार मिल गया मौक देते टाइम, तो आप यहाँ लिख लेंगे। मैथ्स में कोई क्वेश्चन है, एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, उसका एक नया क्वेश्चन मिल गया, आप यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि टाइप वाइज अगर क्वेश्चन अरेंज होंगे तो आपको रिविजन करने में आसानी रहेगी। नोटबुक को बड़ा रखें, छोटी छोटी नोटबुक्स ना बनाएं। ठीक है, बड़ी बड़ी नोटबुक ले लें, बाजार में मिल जाएंगे आपको 500 पेज की नोटबुक, 500 या 200-300 पेज की नोटबुक, ये मोटी मोटी नोटबुक बनाएं जिसमें कम नोटबुक में आपका सारा का सारा कंटेंट हो। ठीक है, बार बार आप नोटबुक इन्हें शिफ्ट करते रहें। एक सेपरेट कॉपी अपनी फॉर्मूला, जब हम एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे तो फॉर्मूले के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं बताऊंगा एक सेपरेट कॉपी में नोट करते हैं ना, उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहें। ठीक है, एक सेपरेट कॉपी आपकी होगी, अगर आप मॉक दे रहे हैं उसमें कुछ नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उसमें आप नोट करते रहें। ठीक है, कॉपीज आपकी बहुत ज़्यादा लगने वाली हैं यहाँ, जितना अच्छे से आप नोट्स बनाओगे, कंटेंट अपने पास रखोगे स्टोर, उतनी अच्छी आपको आगे एग्जामिनेशन में आसानी होगी, और फ्यूचर में भी आप कोई और एग्जामिनेशन दोगे उसमें भी मदद मिलेगी। ठीक है, जो चीज़ आप पढ़ चुके हो उससे रिवाइज करना लाख गुना ज़्यादा आसान होता है किसी नए टीचर से सेम चीज़ को पढ़ना। नोट थोड़े क्लीन बनाने की कोशिश करें, प्रॉपर इंडेक्सिंग करें जिससे कि आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे पहुंचना है, आप आसानी से पहुंच पाए। ठीक है, जो नोट बनाए हैं वो जिंदगी भर याद रहेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि मैं रिकॉर्डेड वीडियोज क्यों दे रहा हूँ आपको। देखो, कोई भी चीज़ अगर मैं सिखा रहा हूँ, हर पर्सन का टाइम अलग होगा, आपके बैकग्राउंड पर डिपेंड करेगा आप किस तरह से चीज़ों को सीखते हो। किसी किसी को एक बार की में सब कुछ समझ आएगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो एक बार की में नहीं समझ पाएंगे। ये मिथ है कि दुनिया में भगवान ने सबको सेम दिमाग दिया, नहीं दिया। ठीक है, हम सबका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। अगर ऐसा ही होता, सबको सेम चीज़ दे रखी होती, तो ऐसा क्यों होता कि एक जना क्रिकेटर बन रहा है, एक जना क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा जना सिंगिंग में बहुत अच्छा कर रहा है। हम सबकी अपनी अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्हें मैथ समझ ही नहीं आता, जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है। तो क्या अगर मैं आपको कहूँ कि आपका लेवल उनके जैसा है जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो ये झूठ है। हम सभी लोगों का मेंटल लेवल अलग है, हम सब लोगों की सीखने की क्षमता अलग है। और मान लो एक पर्सन जिसने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा, और एक पर्सन है जिसने 10th के बाद 12th में भी हाई लेवल का मैथ्स पढ़ा, उसके बाद बीटेक करी या कोई मैथ्स की फील्ड में कुछ करा, तो जिसने मैथ्स से जो जुड़ा हुआ है उसके लिए चीज़ें आसान होंगी, जिसने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा उसके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी। तो वो चीज़ों को जल्दी और देर में सीखेंगे, सबका टाइम अलग होगा। हो सकता है एक पर्सन एक चीज़ को 10 मिनट में सीख सकता, दूसरे पर्सन को 30 मिनट लग जाए। ठीक है, तो हमारा दिमाग भी अलग हो सकता है। कोई पर्सन मैथ्स को चाहे बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, लेकिन मैथ्स उसके अंदर एप्टीट्यूड है, बनिया
घर का है, थोड़ा कैलकुलेशन करता है, बिजनेस में दिमाग ज़्यादा है और चीज़ें हैं, तो मैथ्स में दिमाग काम करता है। कुछ हैं जिसका बिल्कुल भी मैथ्स में दिमाग नहीं करता, काम नहीं करता। एवरी वन विल टेक डिफरेंट टाइम टू लर्न थिंग्स, तो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट टाइम लेंगे। तो जब आप लाइव वीडियो देखते हो तो आपको एक बार की में समझ नहीं आया, टीचर तो आगे बढ़ जाएगा, पीछे आप जा नहीं पाएंगे, तो दिक्कत होती है लाइव वीडियो में। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोज में आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप जब मर्जी एक ही चीज़ को कितनी बार, 50 बार देखें अपनी स्पीड। अगर आपकी स्पीड बहुत तेज है तो आप फिल्टर लगा लेंगे, ठीक है, आप 2x पे, 1.5x पे देख सकते हैं, 1.75x पे देख सकते हैं, अगर आपने पहले एक टॉपिक पढ़ा हुआ है। जल्दी जल्दी PDF दे दूंगा तो PDF से भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ पढ़ रखी नहीं पढ़ रही, जो नहीं पढ़ रखा वो आप उसमें से फिल्टर आउट कर लें, तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डेड में, और ये भी होता है कि टाइम गपशप में ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। कई बार क्या होता है, मान लो मैंने एक चीज़ जल्दी से पढ़ा दी और हमारी क्लास में एक वीक स्टूडेंट आ गया, ठीक है, अब उसने बाकी लोगों को, 80% लोगों को समझ आ गया, 90% लोगों को समझ आ गया, अब 1% या 2% लोग या 98% लोगों को समझ आ गया, 2% लोग जिसे समझ नहीं आया, उसने पूछा भैया ये दोबारा बता दो। एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक चीज़ को चाहे आप 10 बार पूछें तो 10 बार बताओ, ठीक है। लेकिन अब उन 2% की वजह से क्या मैं 98% का लॉस होने दूंगा? अब मेरी नैतिक ड्यूटी कहेगी कि मैं आपको सवाल बताऊं और मैं इन 2% का ध्यान रखूंगा, और इन 2% का जब मैं ध्यान दूंगा दोबारा वही चीज रिपीट करूंगा, जबकि रिकॉर्डेड में तो आप दोबारा देख ही सकते हो उस चीज को, बट लाइव क्लासेस में, लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप चाहेंगे लाइव में ही मैं आपका डाउट भी क्लियर करूँ दोबारा से, तो इन 90% लोगों का लॉस होगा, ठीक है, डेट आई डोंट वॉन्ट, ठीक है। इसलिए कोशिश यही है कि क्वालिटी कंटेंट आपके पास है। और ये देखा गया है कि सिर्फ 30% लोग, जितने भी बैच में बच्चे एनरोल करते हैं उसके 30% लोग या उससे भी कम कई बार लाइव क्लासेस को अटेंड करते हैं। पहली क्लास में तो बहुत बच्चे आएंगे लाइव क्लास में, जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते रहेंगे, छठे चैप्टर पे चले गए, सातवें चैप्टर पे, बच्चों का पीछे का काम पेंडिंग होता रहता है, वो लाइव क्लास अटेंड ही नहीं करते, ठीक है, वो रिकॉर्डेड ही देखते, ठीक है। तो 90% के इसमें, और रिकॉर्डेड क्लास में वही होता है कि फिर इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, बातें ज़्यादा होती हैं, तो क्वालिटी नहीं मिल पाती, ठीक है, वो रिकॉर्डेड में वो मज़ा नहीं आता फिर उसे देखते। वी नीड टू मेंटेन अ हाई क्वालिटी ऑफ आवर सेशन, ठीक है, जिससे कि आपको जो भी चीज़ें मिलें बेस्ट से बेस्ट मिले। विल बी कमिंग लाइव, टाइम टू टाइम मैं लाइव आया करूंगा, आपके डाउट्स लिया करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ तो वीडियोज दे दी, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं, आप डाउट सेक्शन में अपने डाउट डाल सकते हैं। हाँ, ये मत करना कि मैं ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन एक उठा के एक चैप्टर बुक के मुझे डाल के देती है, उसके लिए डाउट ग्रुप्स आप टेलीग्राम चैनल में, अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा आप लोगों का, आप एप्लीकेशन में सर्च करते हैं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक में आपको ऐसा मिलेगा जिसमें मैं आपके क्वेरीज को सोल्व कर पाऊँगा, या फिर आप आपस में आप एक दूसरे की क्वेरीज को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। और मैं भी बीच बीच में लाइव आता रहूंगा, सिर्फ मैथ्स के डाउट्स के लिए नहीं, आपको कहीं भी कुछ भी पूछना अपने प्रोसेस के दौरान एग्जाम के, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं कन्फ्यूजन है कुछ भी चीज़, आप कोई भी दिमाग में किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो, या कोई भी अगर आपकी बात खटक रही है दिमाग के अंदर, तो यू कैन टेल मी, आई विल बी वर्किंग वेरी एक्टिवली ऑन इट, और आपको उनके सभी चीज़ों के सोल्यूशन दूंगा। तो अगर कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिना सोचे एक बार भरोसा करें और ट्राई करके देखें, ठीक है, 1000 रुपये हैं, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 1000-1200 रुपये, तो यही आप अपनी पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आप अगर एक वेल टू डू फैमिली से हैं तो डेट इज़ अ वेरी मेजर अमाउंट, मतलब आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसमें खर्च कर देते हैं, ठीक है, कहीं मूवी देखने चले गए दोस्तों के साथ, आपने पार्टी दे दी, अपने बर्थडे की ट्रीट दे दी, उसमें 1000 रुपये खर्च करते हैं। लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट आप करेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ में करेंगे, ठीक है, और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक, ये हमारे दिमाग में होता है कि हम जल्दी से खर्च नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ के लिए, या हम कंपेयर करते हैं 10 तरह की चीज़ें, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ से कहीं से किसी भी चीज़ से लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, पॉजिटिव वाइब मिलती है, तो यू मस्ट गो फॉर इट, यू मस्ट इन्वेस्ट ऑन योर पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। तो एनरोल कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी तो आप ज़रूर मुझे ज़रूर बताएं कि भैया ये दिक्कत आ रही है, बिल्कुल भी नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं जितना हो सकेगा आपको सपोर्ट करूंगा। बट यस, यही है कि ध्यान से चीज़ें को समझें और अपने लिए सही डिसीजंस लें। बाकी यूट्यूब पे कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो मैं ऐसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। टाइम टू टाइम जब भी लाइव आया करूँगा तो आप अपने सवाल लेके आएँ कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर थोड़ा किसी भी चीज़ के बारे में बोलने में थोड़ी दिक्कत रहती है, कॉपीराइट वगैरह का, एप्लीकेशन में ऐसा कोई एज सच कोई इशू नहीं है, तो आपको जो भी पूछना है आप मुझसे वहाँ पर पूछ पाएंगे, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद।